अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाय लो सेल हाई के साथ मैं हूँ ज़िया अब्बास। और इस वक्त शायद आप ये गेस कर रहे होंगे कि जो पीछे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं वो टोरंटो की कौन सी जगह है। आप गेस कर सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ? एनी गेस? यू आर राइट, मैं इस वक्त टोरंटो में नहीं बल्कि दुबई में। और दुबई यहाँ हम आए हुए हैं मेनली, साल में एक दफ़ा दुबई में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होती है जो कि सिटी के ग्लोबल के नाम से है, जो कि दुनिया के इस वक्त इस साल जो है वो 150 एग्जीबिशन आ रहे हैं दुनिया के 110 कंट्रीज से। तो मैं कैनेडियन रियल स्टेट को, कैनेडियन प्रॉपर्टीज को यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ। और साथ साथ में जो बाय लो एंड सेल हाई के ऑडियंस है, नाजरीन है, उनको एक दुबई का वर्ल्ड कराएंगे। हम अपने एंगल से आपको दिखाएंगे कि यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट है उसको डायरेक्टली टोरंटो और कनाडा के रियल स्टेट से कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारी ये कोशिश ज़रूर होगी कि हम ना सिर्फ आपको सिर्फ कैनेडियन रियल स्टेट, ना सिर्फ टोरंटो बल्कि ग्लोबल रियल स्टेट का ज़रूर एक विजन दें, ताकि आप टोरंटो में बैठ के ये ज़रूर आइडिया कर सकें, गेज कर सकें कि दुनिया में रियल स्टेट ट्रेंड क्या है, दुनिया में रियल स्टेट होता किस तरह है और है क्या। तो वो हम आपको अपने विजन से दिखाएंगे। और इस पूरे एपिसोड में हमारी यही कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम दें। और जैसे मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेशन इज़ मस्ट टू हैव थ्रू दिस प्रोग्राम। और सबसे पहले हम चलते हैं एक बोट टूर पर, इस वक्त हम खड़े हैं ट्रीट पर और विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, जस्ट स्टे देयर। रियल स्टेट का रियल होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका इसके साथ वर्ड लगा हुआ है रियल स्टेट। रियल मीन्स रियलिटी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्राइस या आपका जो रियल स्टेट प्राइस वो रियल है, रियलिटी के करीब है, तो यू शुड बाय। जैसे अगर आप इसमें से रियल वर्ड को निकाल दें तो स्टेट रह जाता है। स्टेट मीन्स बिगर हाउसेस, स्टेट हाउसेस, जहाँ पे आप जाके अपने प्राइवेट हाउस बिल्ड कर सकते हैं, कस्टम हाउस बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप रेंटल में हैं और रेंटेबिलिटी आपकी 1100-1200 डॉलर है और आपने सिर्फ उसके ऊपर 200 डॉलर और एक्स्ट्रा टॉप अप किया, आपका मॉर्गेज हुआ, आप होम ओनर बने, दैट्स वेयर द रियल स्टेट इज। और उस वक्त जैसे आम जनता, आम लोग अगर रियल स्टेट तक एक्सेसिबिलिटी उनकी हो जाती है तो मेरे ख्याल में उनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड दैट्स वेयर रियल स्टेट इज, एंड दैट्स वेयर टोरंटो रियल स्टेट और कैनेडियन रियल स्टेट इज। मैंने कहा ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूर, स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं बुर्जुल खलीफा के सामने। जब दुबई की बात आती है तो फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दुबई के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर के सामने खड़े हैं। तो आपको ये टूर कराना था कि इसको बनते बनते काफ़ी साल लगे, मगर दिस पार्ट ऑफ दुबई इज़ इट्स अ बे, दुबई बिजनेस बे, जो कि हम टोरंटो में इसको डाउनटाउन कहते हैं। और डेफिनेटली इट्स अ गॉर्जियस एरिया। यहाँ पर आप अगर आर्किटेक्चर देखें, बहुत आपको यूनिक आर्किटेक्चर, यूनिक शेप्स आपको मिलेंगे। और साथ में दुबई मॉल है एंड वाटर फाउंटेन इज वन ऑफ द बेस्ट वाटर फाउंटेन इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं डाउनटाउन दुबई में। जैसे आप देख रहे हैं द एड्रेस और उसके साथ बुर्जुल खलीफा। तो ये जो स्ट्रीट है डाउनटाउन स्ट्रीट, इसमें वाईफाई फ्री है
और हम लेते हैं एक क्विक ब्रेक और इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेट एग्जीबिशन हॉल में सिटीस्केप ग्लोबल। Tribute Communities creates dream homes. What makes your tribute special? My tribute. It's a hip urban address that really says me. My tribute. A new home where nature and design live in harmony. My tribute. A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. Be a part of something big. Welcome to the Canary District. 35 acres at your doorstep in Toronto's downtown east. Transit, dining, shopping, spectacular amenities. Introducing Canary Park Condominiums. Don't miss our grand opening special. Own for just $1,000 a month at Canary Park Condos. This is Toronto's next big thing. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King & Strawn. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation. अब हम खड़े हैं दुबई गोल्ड सूक के सामने. Let's go and see कि यहाँ ऐसी क्या चीज़ है इनके गोल्ड सूक में जो टोरंटो में नहीं है. नाज़रीन, इस वक्त हम दुबई गोल्ड सूक में हैं और कैंस ज्वेलर्स में हम हैं. एक अच्छी चीज़ जो बहुत यूनिक चीज़ इस स्टोर पे है वो आप ये गोल्ड रिंग देख रहे हैं. ये गोल्ड रिंग अगर आप गूगल पे जाएंगे तो या अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाएंगे तो ये रिंग ज़रूर आपको दिखेगा. इट्स द हैवीएस्ट एंड द लार्जेस्ट गोल्ड रिंग जो कि 21 कैरेट गोल्ड है और साथ में इसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं कोई 21 केजी के लगभग. टोटल ये 63 केजी है और सर्टिफिकेट में आपने देखा होगा जो मेरे पास भी ये सर्टिफिकेट है. द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट गोल्ड रिंग इज हियर जिसकी टोटल जो वेट है वो 63.856 केजी है. इमेजिन, गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेस्टीजियस स्टोन इन द वर्ल्ड. दो ही चीज़ें ऐसी है जो आपको शायद ज़िंदगी में धोखा ना दे या जिस पे आप आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं, या तो गोल्ड पे या फिर रियल स्टेट पे. रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में शायद उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है. टॉलेस्ट टावर मिलता है, बेस्ट स्पोर्ट्स लाइक यू नो द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन दुबई. इसकी आप एग्जांपल ले लें, दुबई तो वैसे ही जाना जाता है सिटी ऑफ गोल्ड.
और ये उसकी एक वाज़े मिसाल है कि आपको इतना हैवी और बिगेस्ट रिंग दुबई में ही मिल रहा है। हमने कोशिश ये की है कि आपको रियल इस्टेट वर्सेस गोल्ड की कंपैरिजन बताएं, बैलेंस करें कि जी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो डेफिनेटली आपके काम, आपके सेकंड जनरेशन के काम आएगी, और ये जो हमारा थ्रू आउट टूर है ये उसी की मुनासिबत से है। हम चलते हैं अपने टूर की तरफ और इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुबई सिटीस्केप ग्लोबल एंट्रेंस एग्जीबिशन हॉल के सामने। यहाँ से हम जाएंगे एग्जीबिशन में और हम वॉक थ्रू करेंगे, बूथ पे हम जाएंगे, हम विजिटर्स से बात करेंगे, हम जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से इन्वेस्टर्स आए हैं इन्वेस्ट करने, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी राय कुछ लेंगे कैनेडियन प्रॉपर्टी के हवाले से, और आपको ये विजन देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि वेदर इज़ क्वाइट हॉट, और इस वक्त करंटली जहां मैं खड़ा हूं आउटडोर, तो यहां पर 45 प्लस डिग्री है ह्यूमिडिटी के साथ। निकलते हम चलते हैं हॉल के अंदर। जस्ट स्टे विद मी। नाज़रीन, आपने देखा दुबई की खूबसूरती, और इसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं एग्जीबिशन के हवाले से। इस वक्त हम सिटीस्केप एग्जीबिशन हॉल में हैं, और जैसे कि आप उस बूथ में हैं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैनेडियन प्रॉपर्टी के हवाले से। यहाँ पे हम आपकी मुलाकात डिफरेंट एग्जीबिटर से कराएंगे, और कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट बूथ की भी चीज़ें दिखाएंगे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से एग्जीबिटर्स कैसे आएँ और दुनिया के रियल स्टेट को वो किस तरह सेल कर रहे हैं। इस वक्त हम एग्जीबिशन हॉल में हैं जो कि सिटीस्केप ग्लोबल में है, और हम अपने बूथ में बैठे हुए हैं जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैनेडियन प्रॉपर्टी। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है, दुनिया के हर कोने से प्रॉपर्टीज यहाँ आए हुए हैं अपने एग्जीबिटर्स के साथ। हमारे साथ विजिटर है हादी इस्माइल, जो कि डेनमार्क से आए हुए हैं और यहाँ सिटीस्केप में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हाय हादी, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो वेलकम टू द शो हादी। When did you arrive from Denmark? I arrived two days ago, yes. And you came particularly for this property show? Yeah, for the cityscape. I've been all around this cityscape these last two days and seen properties from all over. And I just dropped by from your booth, saw Canada flag. Thank you very much. Which other booths you have been, like from different part of the world? Oh, you know what? I've been to different booths from all part of the world. And seen booths from both Spain and from Turkey and from Bulgaria, and obviously also Canada. So been around and to have a little time to compare what the difference are. There's so many booths from different parts of the world. So you came to Dubai particularly with the intention to invest in property? Yeah, sure. You know what? I know it's one of the biggest globally property shows in the world. So I managed to come here and have a look at what's going on around the world. So can you share with the viewers which other booths, like, you know, have you been? You know what, I've been to some of very interesting booths, such as, you know what, Turkey I've been to, some of from Spain actually, and Bulgaria, and many parts, Russia as well, so many of as well, and obviously also Canada. Where you see Canadian properties, if you compare with, like, you know, rest of the world? Oh no, you know what, I have had some time to compare some things. Yeah. And I see Canada standing out from any other part of the world, obviously because of the deposit structure, the safety, the security over the investments I want to make. How you can compare prices of Canadian property versus the other part of the world? You know, just take an example from being here in Dubai. My deposit structure, such as my down payments on my investments, is much lower in Canada. That means giving back is more. So we hope, like, you know, you may consider Canadian property. Thank you very much for dropping definitely. At our booth. No, नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त आदि से हमारी बात हुई। एग्जीबिशन में हम चलेंगे, दूसरे बूथ पे भी आपको हम विजिट कराएंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर आप देखें कि डिफरेंस क्या है। जस्ट स्टे विद अस। Thank you.
नाजरीन जैसे आप देख रहे हैं कि हम एक दुबई डेवलपर के बूथ के सामने खड़े हैं. चेक द बूथ, चेक द स्पेंडिंग और इनका स्केल मॉडल आप देखें कि किस मैसिव स्केल पे यहाँ काम हो रहा है. अबाउट 10 to 12 हाई राइज बिल्डिंग और साथ में इन्होंने यहाँ पर हाउसेज भी बिल्ड कर रहे हैं. सो दैट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट. लाइक यू नो, थोड़ा सा आपको हेड्स अप देने के लिए कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस शो. आई लेट्स गो टू द अदर बूथ्स एज वेल, जस्ट फॉलो मी. नाज़रीन, इस वक्त हम एक और बूथ पे आए हुए हैं. यहाँ से दुबई के टाउन हाउसेस और डिटैच हाउसेस सेल हो रहे हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त 346 टाउन हाउसेज इंक्लूडिंग विलाज सेल हो रहे हैं, जो कि हम डिटैच हाउसेज जिसे कहते हैं. द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज ये 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह है, जिसमें 7.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रेल है. एंड देयर आर मोर देन 600,000 प्लांट वुड बी प्लांटेड. ये दुबई गोल्फ का एरिया है. नाज़रीन, इस वक्त हम एक और बूथ के सामने खड़े हैं और ये कतर दोहा में है. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल विच वुड बी बिल्ट बिफोर फीफा वर्ल्ड कप. अगर आप देखें इसमें कि इसकी जो फीचर्स हैं वो इतने वर्ल्ड क्लास है कि यू वॉन्ट बिलीव. और इसमें ये कनेक्ट होगा इस कॉर्नर से सबवे के साथ, जो कि फीफा की जितनी एक्टिविटी है वो इस मॉल के साथ डायरेक्ट लिंक होगा. ये आपको बताना बड़ा इम्पोर्टेंट था. नाज़रीन, गेस करें कि इस वक्त मैं किस बूथ के सामने खड़ा हूँ. रियल स्टेट, रॉयल रियल स्टेट बाय शाहरुख खान. शाहरुख खान जैसा सेलेब्रिटी भी इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. इससे आप ज़रूर सीखिए. जस्ट फॉलो. 7 टावर्स ये इस्तांबुल में बिल्ड होने जा रहा है और इसके साथ और बड़े अच्छे फीचर्स हैं. देखें द वे दे लेड इट डाउन. इसमें लाइक यू नो ओवर 3,000 यूनिट्स है. आए मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ इस प्रोजेक्ट के हवाले से. ये जो टावर्स है 7, ये 2017 में कंप्लीट होंगे. और इसमें जो और अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके साथ टेनिस अरीना है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टेनिस अरीना है. और उसके साथ देखें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा प्राइवेट स्कूल, और स्कूल के साथ जो है वो आपका फुटबॉल ग्राउंड है. सो दिस इज़ अ ब्यूटी. नाज़रीन, इस वक्त हम एक और बूथ के सामने पहुंचे हुए हैं, जो कि बल्गारिया के प्रॉपर्टीज़ है. इट्स इन अ ग्रेट आर्किटेक्चर. यहाँ पर आप देखें तो 2 रेजिडेंशियल टावर है और साथ में 5-स्टार होटल, जो कि स्विस होटल है. ये प्रोजेक्ट बल्गारिया सोफिया में है, ग्रैंड कैनियन के नाम से है. रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल और साथ में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉल इन्होंने यहाँ पे बिल्ड करना है. ग्रेट आर्किटेक्चर अगेन. लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट बूथ. आपको दुनिया के और रियल स्टेट दिखाते हैं. नाज़रीन, इस वक्त हम एक और बूथ के सामने खड़े हैं तो आपको बड़ा ट्रेडिशनल टच लग रहा होगा कि ये वाकई जो है दुबई में कहीं पर है. यहाँ पर ये 6,500 प्लॉट सेल कर रहे हैं, जिसमें से डेवलपर 1,000 विलाज, जो कि डिटैच हाउसेस है, वो अपने क्लाइंट्स को बना के देंगे. और इसके लिए जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं या परचेजर्स हैं वो सिर्फ यूएई के लोकल्स ही होंगे. तो हमने आपको एक टच देना था. उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा. जस्ट एक क्विक हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद विल गेट बैक. Welcome back. I'm here at one of the largest property shows in the world, Cityscape, in exotic Dubai, United Arab Emirates.
Did you know, as a Canadian, you can buy pre-construction with as little as 15% down? Sounds pretty good, right? Well, consider this. Foreign investors who strive to buy Canadian properties are forced to pay a minimum of 35% down. Still pretty good to own a piece of Canada. However, if you're Canadian, take advantage of our amazing country. Use this investment tool as a benefit. Over to you, Zia. Viewers, Mr. Nawaf Shaheen is with us and we are at the cityscape. Let's talk to him and get his feel about this cityscape. Nawaf, how are you? Very good, how are you? Thank you for your time. Thank you. We are in the cityscape global at this point in time. So how you feel about this? Well, it's very exciting actually. Lots of developer and a lot of people are registering from all over the world. The projects are exciting. People are actually excited about it. And developers from all over the world. And we see different projects going on. A very great future for Dubai, and the pipeline of projects that we see are extremely a lot. Well, definitely, there are a lot of good projects launched at this show from Dubai platform as well. So how you see this property market going in Dubai in future? Well, I think Dubai is still, you know, we're still young. We're 40 years old. Exactly. So I think the future is there. And what we have achieved so far is just, you know, as Sheikh Mohammed says, it's just 10% or 20% of the vision of Dubai. So within the projects that we see and where Dubai is going, I think there is a very huge potential, especially in the real estate sector. As you said, like, you know, it's only 10% fulfilled. There is a 90% to go. True. And the way Dubai has a vision and Dubai sees things differently, I'm pretty sure that they're going to do something quite different in future to attract all over investors from a different part of the world. I mean, not even that. If you see the location of Dubai, it's very great. We are, you know, in the middle of the Middle East and we are 2 hours away from everywhere. Exactly. From everywhere. So the location is good. And we are the central hub so far of the Middle East. So Dubai is the place to be. And the project that what we have seen also from other developers, the great project, and most of them are under construction now. So it's not just a plan where we want to do and develop. No, the projects are actually under construction. And I personally think Dubai has edge in a sense that what Dubai has provided to the rest of the world is not provided with from any other surrounding country. True. I guess that's quite amazing or attraction for especially, as you said, the citizens or the, like, you know, countries which is only within 2 hours of our traveling time. It's a great hub for them. The location is good. We are in the middle, you know, between all the, you know, developing countries. So in the Middle East we are the center, and we are 1-2 hours or 3 hours flight from all the other countries. So the location is good, you know, the infrastructure, what even the land department, how they are centralizing everything, making things easier for developer, is helping other people to come and invest in Dubai. Not even that, other people every month where we see people are just moving to live in Dubai. So you think the cityscape gonna boost the property further after this September? Of course, you know, people, everyone was waiting for cityscape to see what is the project, what is the upcoming project, where it is going. So I think cityscape will help, and it makes everyone connect. So it doesn't just combine developers. So we see architects, we see development companies, construction companies. So this helps the circle to go on. Wonderful. Thank you very much for your insider, your and thank you for sharing this with us. Take care. नाज़रीन, सिटीस्केप ग्लोबल, दुबई सिटीस्केप ग्लोबल में हमने आपका टूर कराया, आपको दुनिया के डिफरेंट बूथ्स में लेके गए कि प्रॉपर्टी सच एज टर्की में कैसे सेल हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो रहा है, ताकि आपका जो विजन है वो कनाडा में बैठ के ग्लोबल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत जो है वाजे हो, आपको पता लगे कि क्या हो रहा है। हम एग्जीबिशन से निकलते हैं और एग्जीबिशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम एक सेमिनार कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन टोरंटो, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, जो कि बाय लो एंड सेल हाई, ज़िया अब्बास के ज़ेरे तमाम होगा।
हम चलते हैं सेमिनार की तरफ. जस्ट स्टे विद अस. ناظرین جیسے آپ نے سیمینار کے کلپس دیکھیں اس وقت ہم سیمینار کے اینڈ میں ہیں جو کہ ارینج ہوا ہے بائی لو اینڈ سیل ہائی ضیاء عباس اور سیمینار میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح ٹورانٹو ریئل اسٹیٹ کینیڈین ریئل اسٹیٹ کو ہم نے یہاں دبئی مارکیٹ میں پینیٹریٹ کیا اینڈ جو کانفیڈنس ہمیں آیا لوگوں کا اس سے یہ لگتا ہے کہ کینیڈین مارکیٹ از ڈیفینیٹلی اے مارکیٹ ٹو بی کنسیڈرڈ. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا اور ہم نے بھی بہت کوشش کی کہ دبئی کی سیر کراتے کراتے آپ کو سٹی ایگزیبیشن میں جو کہ سٹی اسکیپ گلوبل کے نام سے ہے اور وہاں سے سیمینار تک لے کے آئیں تاکہ آپ ٹورانٹو میں بیٹھ کے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جانیں اور جتنا کانفیڈنس آپ کو ٹورانٹو ریئل اسٹیٹ کے اوپر آئے اور آنا بھی چاہیے کیوں نہیں, کیونکہ اب آپ نے دیکھا کہ امپورٹنٹ یہ نہیں کہ دنیا کا گلیمر کس سٹی میں ہے, امپورٹنٹ یہ نہیں کہ ٹالسٹ ٹاور کہاں پر ہے, بگیسٹ رنگ کہاں پر ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام لوگ ریئل اسٹیٹ تک پہنچ سکتے ہیں, اونرشپ لے سکتے ہیں یا نہیں. اور میرے خیال میں یہ اب صرف ممکن ہے کینیڈین ریئل اسٹیٹ میں, ٹورنٹو ریئل اسٹیٹ میں. مجھے دیں اجازت, آپ سے دوبارہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ٹورنٹو میں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.